शक नहीं है कि कोविड को लेके पूरी देश की सरकार मफलूज हो गई, रियासती सरकार मफलूज हो गई, लेकिन फिर भी मैं वो लोगों को जो कोविड के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हमारी मेडिकल टीम और दूसरी सरकार की तरफ से और हमारे जो NGOs हैं, दूसरे लोग जो इस महामारी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, उनको मैं मुबारक करूंगा, सैल्यूट करूंगा। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि जो लोगों के जो ये प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात है या तामीर और तरक्की की बात है, क्योंकि हमारे जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो बंद हो चुकी है, तो मैं खिताए पीर पंजाब की दोनों इजला की एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करूँगा कि आप इसमें शक नहीं है कि आप इस महामारी के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं और आपने काफ़ी काम भी किया है, लेकिन मैं ये आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इन दोनों इजला में ड्राट की वजह से जो पानी की, पीने के पानी की काफ़ी कमी आ चुकी है, बिजली और पानी के काफ़ी मसाइल हैं, बिजली का अनशेड्यूल कट है और पानी की स्कीमें जो है मैक्सिमम जो है वो डिफेक्ट पड़ी है। तो मैं गुजारिश करूंगा दोनों जिला की एडमिनिस्ट्रेशन से और नौ मुंतखब हमारे जो चेयरमैन और चेयरमैन साहिबा हैं, दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ी अपनी इसमें इन्वॉल्वमेंट करें और लोगों के जो मसाइल हैं, डेवलपमेंटल मसाइल हैं और ख़ासकर जो कोरोना की वजह से जो बुरहान पैदा हुआ है, इसमें अपनी भी मदाखलत करें और लोगों को कॉन्फिडेंस देने की बात करें, क्योंकि लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। सरकार की तवज्जो जो है पूरी कोरोना वायरस की तरफ है और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से काफ़ी इलाके में परेशानी हो रही है। मैं गुजारिश करूँगा डिप्टी कमिश्नर रजौरी से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, कि हमारे जितने भी असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मेडिसन है, पीने के पानी की प्रॉब्लम्स है, हमारे बिजली का अनशेड्यूल कट है और दूसरे हमारे जो जो हमारी प्रॉब्लम्स लोगों की हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और हंगामी तौर पे आप इस पे एक मीटिंग कॉल करें और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो इलाके में शुरू कराएँ। शुक्रिया।